एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि होगा, क्योंकि इस साल इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, तो आशा तो थी, उम्मीद थी दिल में, और जब पता चला तो बहुत ही खुश हूँ जी। इस जब इंडिया इस फिल्म को एंट्री के तौर से चुनती है, तो आपके लिए एक मौका बन जाता है फिल्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना, तो कोशिश तो रहेगी हमारी कि हम जितनी दूर जितने लोगों को दिखा पाएं, एकेडमी के लोग भी, पर इस इसके थ्रू आप बहुत बड़ी ऑडियंस को भी एक तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसी फिल्म है, तो कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम दूर दूर तक फिल्म दिखाएं और लोगों को बताएं कि ये फिल्म जरूर देखें। तो फैंस को मैं यही कहूंगी कि पहले तो बहुत बहुत हमारा शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ ऑडियंस को, कितना प्यार दिया है इस फिल्म को लोगों ने, और अभी भी फिल्म ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पर है, तो जरूर देखें, आपको मौका मिले तो देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक के लिए कुछ है इस फिल्म में, ना सिर्फ औरतों के लिए और लड़कियों के लिए, लेकिन हर उम्र के लोग के लिए, किसी के भी के लिए भी इस फिल्म में कुछ ना कुछ है, तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। एक्चुअली इस फिल्म को हमने ये फिल्म बनाई है कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ विषय को लेकर, औरतों की जो समस्याएं हैं, उनके जो की उम्मीदें हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनके बारे में फिल्म है। तो इस ऑस्कर के लिए जब इंडिया नॉमिनेट करती है, तो हमें लगता है कि एक तरह से हम सब का हौसला बढ़ जाता है, इस देश के सारी औरतों का भी हौसला बढ़ना चाहिए, हमारी कहानियां दूर दराज देखी जाएंगी, और हमारी जो कोशिशें हैं कि औरतों का की सारी समस्याओं, अलग अलग समस्याओं का हल हम ढूंढ पाएंगे, वो उस दिशा में हम जा रहे हैं ऐसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर है वे। जब हम मार्केटिंग में एक्चुअली निकल पड़े थे, तो मुश्किल ये पड़ती है कि आप जब बहुत बड़े स्टार्स को लेकर नहीं बनाते हैं फिल्म, तो ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, ये एक तरह से एक चुनौती हो जाती है, और हमारी मार्केटिंग टीम जियो और आमिर खान प्रोडक्शंस दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया, हमारी पीआर टीम ने बहुत दम लगाकर मार्केटिंग की, और इसमें हमें एक्चुअली लगा कि ये अगर हम पार कर पाएंगे, ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, तब लोगों को पता, यू नो, वर्ड ऑफ माउथ फिर बढ़ेगी, तो वो मुझे सबसे मुश्किल लगी, और लोगों ने एक्चुअली ये सारे फ्रेश फेसेस और कास्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों सराहा कि आपने नए टैलेंट को जगह दी है, जबकि बहुत लोगों ने कहा अब आपके यू नो जाने माने फेसेस है नहीं, तो आप कैसे फिल्म को थिएटर तक ले जाने की सोच रहे हैं, तो वो एक चुनौती हम क्रॉस कर पाए, लोगों तक जा पाए, इसका एक्चुअली आमिर खान और जियो स्टूडियोज को श्रेय जाता है। बस हम अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सबने इतने दिल लगाकर काम किया, हमें लगे एक्चुअली 4-5 साल बनाने में इस फिल्म को, तो यू नो इतने सालों में इतनी लोगों की मेहनत, इतने लोगों का सपोर्ट और प्यार, और उसके बाद हम ऑडियंसेस को बहुत अपना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया, फिल्म को प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, अब उस रास्ते पे निकल पड़े हैं, ऑस्कर का रास्ता बड़ा लंबा और कठिन होता है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।